जो बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते हैं आज फिर ना इससे जुड़ा कोई नया सबूत ना कोई दलील, उनका जो वकील है वो पेश कर सका जज हजरत उनसे एक ही सवाल करते हैं वो सबूत की दर है वो सबूतों की टोकरी वो ट्रक वो कहाँ है वो सबूत वो तमाम शवाहदात और दस्तावेजात पर गुफगु की जिनकी वजह से हम समझते हैं कि हमने नवाज शरीफ के खिलाफ केस को साबित कर दिया है हम चाहते हैं कि सब के हवाले से इंक्वायरी हो और ट्रायल भी हो उसमें अपोजिशन के लोग भी शामिल हैं, उसमें हुकूमत के लोग भी शामिल हैं, उसमें अदलिया के लोग भी शामिल हैं। मानु रहीम असल नाजरीन आप देख रहे हैं नाइनटी टू एट एट विद सादिया अफजाल नाजीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पैनमा लीक्स के मामले पर वजी अजम नवाज शरीफ के खिलाफ दायर दरखास्तों की समात जारी है आज आठवीं समात हुई और कल तक इसको मंसूख भी कर दिया गया है मुलतवी कर दिया गया है आ, अच्छी बात यह है जो कि तमाम आ, लोग तमाम सियासी जमातें तमाम तजिया कह रहे हैं कि ये डिले होता मामला नज़र नहीं आ रहा रोज़ाना की बुनियाद पर जो है अब इसकी हयरिंग होगी लेकिन आज जो तीन सवाल हमारे सामने आए इस केस को लेकर और जो ऑब्ज़रवेशनस भी थी जो रिमार्क्स भी थे जजेस साहिबान के तो उसमें एक तो ये कहा गया कि जी वज़ी के बच्चों ने कंपनियाँ कैसे बनाई दूसरा सवाल था जेर किफालत होने का मामला कि इसको भी थोड़ा तफसीला देखने की ज़रूरत है और तीसरा ये कहा गया था कि वज़ी अजम की तकरीरों में सच बताया गया है या नहीं तो ये तीन सवाल तो आज की समात में यकीनी तौर पर उठाए गए हैं साथ ही साथ जब हम इदारों की बात करते हैं तो अदालत के ये भी रिमार्क सामने आए कि जब नैब ने एफ ने और एफ ने आ, कोई कार्रवाई नहीं की इस मामले के हवाले से तो ही अदालत उमा ने इस मामले को टेकअप किया है और ये भी कहा गया कि अगर ये इदारे काम नहीं करते तो इनको बंद हो जाना चाहिए और साथ ही साथ जमात इस्लामी के वकील ने आ, अदालत से कहा कि जी कमीशन बनना चाहिए कमीशन बनाने की इस्तदा की तो उस पर भी अदालत का जवाब यही था कि अगर अदालत उमा को लगा कि इंसाफ के तकाजे इस तरीके से पूरे नहीं होंगे तो कमीशन ज़रूर बना दिया जाएगा इस हवाले से भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और साथ ही साथ दूसरी जानव अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत हमें नजर आ रही है या दो हजार अठारह में जिस तरीके से वो बात करते हैं वजीर जो है वो बिलावल खुद को देख रहे हैं और अपने वालिद साहब को सदर बनता देख रहे हैं इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी और खत्ते की सूरत हाल अगर हम उस पर रोशनी डालें अफ़गान सदर के जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान हैं फिर पाकिस्तान की हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत और वहाँ जिस तरीके का सलूक रवा रखा गया सरताज अज़ीज़ साहब से उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ ही साथ बहुत ही अहम मामला जो कि नाइनटी टू न्यूज़ का इस इदारे के हवाले से है जो कि पंजाब हुकूमत ने और ख़ास कर पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्ला साहब की जानब से सामने आ रहा है कि नाइनटी टू न्यूज़ के, के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं जिस पर तमाम लोग एहतजाज भी कर रहे हैं पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं और मीडिया या जो जर्नलिस्टिक कम्यूनिटी है वो भी नाइन्टी टू न्यूज़ के आ, साथ शामिल है उन एहतजाजी मुजाहरों में इन तमाम चीज़ों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब शेख साहब शेख साहब सबसे पहले <coughs> तो लीग्स के हवाले से बात करते हैं आज की समात में काफी सारे सवाल भी उठा दिए गए आप भी जब बात कर रहे थे तो उसमें भी जज साहब ने कहा कि जी आपके जो दलायल हैं उसमें बज़ाहिर वजन नज़र आता है आप कहते हैं कि आपका केस बड़ा शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट है कहाँ जाता मामला नजर आ रहा है आपको आज की समात के बाद कमीशन बन जाए जो कि सराजुल की ख्वाहिश है तो मैं कह नहीं सकता और ये ख्वाहिश भी ऐसे आलम में आई है जबकि अब कोई नहीं चाहता कि कमीशन बने पाकिस्तान में कमीशन एक बना था आ, मैं जब नूर खान कमीशन बना था मैं उसमें था आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई सो ये बातें जो हैं बड़ी अजीब गरीब हैं और मैंने तो सीधी सी बात उनको की है जी कि उन्नीस साल बेटी के इतने ऐसासे होना क्या कोई घर में सोचे कि भाई उन्नीस साल बेटी के लिए इस मुल्क में माए तैयारियां शुरू करती हैं कि कोई दो बालियां कट्ठी करे एक अंगूठी करिए कोई गले का लाकट रोज सराफा बाजार से गुजरती हैं भाव पूछने के लिए सोने का ये ऐसे लोग पैदा हुए हैं ऑल ऑफ सडन छत से गिरा पैसा ये तो बहुत सीरियस केस है ये पैसा आया कहां से है किसने दिया है ठीक लेकिन किसके माल पर यह सारा काम बना है और मैंने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा ये सारी बातें उन्नीस सौ तिरानवे में मोटरवे के बाद सामने आई है इनकी कोई प्रॉपर्टी उन्नीस सौ तिरानवे से पहले बताएं कि इनकी कोई प्रॉपर्टी नजर आती हो यह सब ड्रामा है यह रजिया भट्ट का नावल है और इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है और यह सारी चीजें जो हैं जो इन्होंने पेश की हैं वो बादियों नजर में तो मुझे टोटल झूठ फ्रॉड और गैर जिम्मेदाराना नजर आती है Okay. बाकी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी हमें काबले कबूल है ठीक है लेकिन इस मौके पर जब आप खुद कह रहे हैं कि जी अब कोई नहीं चाहता कि कमीशन बने तो जमात इस्लामी के जो वकील हैं वो बार बारहा इस क्यों कर रहे हैं कि कमीशन बनाया जाए और उनका ये कह देना कि जी पाँच सौ छप्पन ऑफर कंपनियाँ हैं तो सिर्फ वजीम का एहतसाब नहीं होना चाहिए इससे क्या लग रहा है क्या जमत इस्लामी जो है वो इस मामले के अंदर वजीम साहब को या उनके बच्चों को बचाना चाह रही है मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा जमात इस्लामी ना हाथ आसमान पे लगा रही है ना पाव जमीन पे लगा रही है तरीके इंसाफ की वोटों से ये सेंटर बने हैं और आज तक कश्मीर के सारे वोट इन्होंने दे के एक वो एक मखसूसी मखसूस नशस्त पर रशीद साहब क्या नाम है उनका आ, मुझे नाम अभी याद आ जाएगा के हमारे दोस्त हैं वो उनको एक मखसूस नशिस्त पर मेबर बनाया जेलम बूरे वाला हर जगह इन्होंने नून को वोट दिए स्पीकर के वोट उनको दिए और ये ऐसे अवाम में टोपी ड्रामा रचा रहे हैं अपोजिशन का इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान में दो अपोजिशन की पार्टियां और दो लीडर हैं इमरान खान और शेख रशीद बाकी सब झूठ है और फ्रॉड है जो कर रहा है फ्रॉड कर रहा है जो खेल रहा है झूठ खेल रहा है जो खेल रहा है गवर्नमेंट के पिच पे खेल रहा है और ये सारी जो तावीलें आज पेश की गई हैं मैंने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के में मौजूद था उन्होंने इंसल्ट की कि आपने हमें बुलाया क्यों है ठीक आप कौन होते हैं हमसे यह कहने वाले कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा काश आप इन ब्यूरोक्रेट्स की वहां पे वो जो उन्होंने जुमले दोहराए हैं उसका प्रिंट मंगवा के देखें तो चारा ही कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अलावा और मैंने कहा कि जमूरियत बचती भी यहीं से है से और जमूरियत दफन भी यहीं पर हो जाएगी और खाना जंगी भी यहीं से शुरू हो सकती है की उनकी तरफ से तफतीश का तहकी का आगाज नहीं होता तो अदालत उजमा को ये कहना पड़ रहा है की इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो हमने ये मामला टेकअप किया लेकिन कभी भी फिर इन इदारों में मौजूद अफसरान के खिलाफ हमने कार्रवाई होते नहीं देखी कभी नहीं हो सकती बड़े आदमियों के खिलाफ बड़े आदमियों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि बड़े आदमी जो हैं वो ये समझते हैं कि ये जुडिशरी हमारी जेब में है ये जर्नैल हमारे पास हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें ये असंबलियों पे नहीं ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले हैं और ये जर्नैलों को ब्रीफ केस भेजने वाले हैं एक ऐसी पार्टी जो कि जर्नैलों को ब्रीफ केस भेजती हो और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करती हो उसके लिए बादियों नजर में ये बड़ा मुश्किल काम है कि हम सुप्रीम कोर्ट में तो, तो का अच्छा, उनके रिटायरमेंट का वक्त भी करीब है आप वाकई समझते हैं कि उससे पहले पहले ये मामला निमट जाएगा जैसे आपने कहांबर से पहले आ सकता है इसका कोई नतीजा अगर रोजाना की बुनियाद पर इसकी समात होती है देखें नई बुखारी साहब ने आज कर लिया है कल गवर्नमेंट कर ले एक दो दफ़ा और कर ले जी एक दो दिन के वक्फे के बाद फिर कर ले और नए चीफ़ जस्टिस के आने से पहले इन ताला ये फैसला आएगा और लोगों की इनसे यही उम्मीदें हैं कि इनकी मौजूदगी में आए कोई कोई नए बेंच की ज़रूरत नहीं है कोई किसी कमीशन की ज़रूरत नहीं है और ये कमीशन की बातें जो कर रहे हैं वो आ, लंबा वाली मसाल है के लंबार दो और और ना ना रहे और ना रहेगा बीन बजेगी तो ये सारी सूरत हाल इसी की मरहून खाता ठीक है शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो लोग कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं इस मामले को लेकर वो इस मामले को हल होता नहीं देखना चाहते वो इस मामले को लटकाना चाहते हैं बहरहाल शेख रशीद साहब कहते हैं कि किसी नए बेंच की जरूरत नहीं पड़ेगी और नए चीफ जस्टिस साहब के आने से पहले ही उन्हें इस मामले का नतीजा जो है वो सामने आता नजर आ रहा है एक ब्रेक लेंगे ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे ट्यून्ड। बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आम्मीदी अवी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शेख साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी भी ये तो एक तरफ कहती रही कि जी आ, मामला अदालत में नहीं जाना चाहिए था और हम बताएंगे कि एहतजाज कैसे होता है सड़कों पर आने को लॉकडाउन के फैसले को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया अब जो सत्ताईस दिसंबर की तारीख दे रखी है कि जी हमारे चार मुतालबात हैं और हुकूमत ने तस्सीम नहीं किए तो हम बताएंगे एहतजाज किसको कहते हैं आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इस मामले में एहतजाज के मामले में सीरियस है एक तो मेरी सियासी राय यह है कि ये महीना जो है उन्होंने 27 दिसंबर दिया है दस पंद्रह दिन और ले, ले जाए ये बड़े अहम दिन है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो किसी तरफ भी जा सकता है और इस मुल्क की सियासत को भी बदल सकता है और इस मुल्क की जमुरियत को भी बचा सकता है और इस मुल्क को डिक्टेटरों को हमेशा के लिए दफन कर सकता है क्योंकि लोग कहेंगे कि यार अदालतों से बड़े आदमियों के खिलाफ भी फैसले आते हैं लोग समझते हैं कि अदालतें जो हैं छोटे आदमियों के खिलाफ फैसले देती हैं और इस बात को खत्म करने का ये एक बेहतरीन मौका है और मुझे यकीन है पीपल्स पार्टी की डिमांड क्या है जी चार वैसे ही वैसे ही खाना पूरी हैवाज शरीफ को, भाई को जिसने उसको है। निसार का क्या मसला है? हटाना है तो नवाज शरीफ को उठाओ ये डिमांड पीछे ले गए और निसार की आगे ले गए पता नहीं निसार से उनका क्या मसला आपको क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ चौधरी निसार पर तनकीद क्यों बन गई है इस वक्त पीपल्स पार्टी का मेहवर बेलावल भी जब बोलते हैं वो कहते हैं जी चौधरी निसार रिजाइन करें नेशनल एक्शन प्लान को वो बुनियाद बनाते हैं कि नहीं उस पर सियासत हो रही है नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामत अगर नहीं हो रहा तो चौधरी निसार की वजह से नहीं हो रहा जिस मुल्क में हाईएस्ट लेवल की लीकेज प्राइम मिनिस्टर हाउस के हो उसका वजीर इतलादोश कर दिया जाए किक आउट कर दिया जाए और अभी तहकीकती कमेटी बैठी हो उस मुल्क में नेशनल एक्शन प्रोग्राम वो डिस्कस हो सकता है जी उस मुल्क में ये बात कही जा सकती है कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस इस साजशों का गढ़ दिखाई दे रहा है और अभी कमेटी बैठी है और उसका फैसले की रिपोर्ट भी नवाज शरीफ साहब ने देनी है ये ऐसा आलम है ये ऐसा आलम है जिसमें चोर मचाए शोर की फिल्म लगी हुई है और हम सारे उसको देख रहे हैं और बिलावल साहब सियासत करें जरूर करें यह उनका हक है अब कह रहे हैं अट्ठारह में मैं वजीर आजम हूंगा आपकी उम्र अट्ठाईस साल है को नया सर्टिफिकेट लगाना है ठीक है अभी तो दस साल आपके वजीर आजम बनने में अट्ठाईस में पता नहीं क्या हालात होंगे को कौन से इलेक्शन होंगे पता नहीं खुदा मालूम कौन जिंदा होगा कौन मुर्दा होगा ऐसे आलम में एक ऐसी बात कहना हुँ. इंतहाई इंतहाई गैर जिम्मेदार है जब आप पैंतीस साल के होंगे उस वक्त देखा जाएगा कि आप प्राइम मिनिस्टर okay. के लेकिन तो वो वो इजहार कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ एक और भी है देखें जरदारी साहब का असम्बलियों में असर होगा सिंध में पाकिस्तान की सम्बली में लेकिन आवाम में कोई असर नहीं जब जरदारी साहब आएंगे जो थोड़ी बहुत जो थोड़ी बहुत बलावल को अपियरेंस मिल रही है थोड़ी बहुत बिलावल को मीडिया मिल रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लोग समझेंगे ये पुरानी फिल्म है नए टाइटल के साथ लगने आई है और इसलिए ये नाकाम होगी और इतनी बुरे तरीके से नाकाम होगी कि ये सारी उम्र पछताएंगे बिलावल शायद काबिल कबूल हो आसफ़ जरदारी के आने पर और उसको अंडर करने के बाद मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी और ज़मीन बॉस हो जाएगी और तीन से पाँच हज़ार वोटों का एक हल्का इलेक्शन होगा ठीक है लेकिन शेख साहब देखें अगर बिलावल की हम बात करें तो बिलावल की जो सियासत में जिस तरीके से एंट्री हुई है या अभी यौमे तासीस पर मुख्तलिफ तकरीब से खिताब वो कर रहे हैं पी एम एल एन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं वो उस नज़रिए की बात कर रहे हैं उस डिवीज़न की बात कर रहे हैं जो शुरू से पीपल्स पार्टी और पी एम एल एन के दरमियान रहा है लेकिन इन तमाम चीजों पर जरदारी साहब नहीं बोलते वो बिल्कुल खामोश रहते हैं तो ये भी किसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि जी बिलावल साहब को आगे किया हुआ वो तो तनकीद करते हैं शरीफ बिरा का नाम ले लेकर लेकिन जरदारी साहब जो है वो किसी मसलहत के तहत खामोश नजर आते हैं देखिए जरदारी साहब मास्टर आदमी है वो खिला रहे हैं पुतलियां चला रहे हैं ये वही बिलावल है जिन्होंने कश्मीर में कहा था मोदी का जो यार है वो गद्दार है बाद में कहा मैंने तो ये कहा नहीं था सेकेंडली आप यह देखें कि नवाज शरीफ और आसफ जरदारी के दरमियान कभी भी रबता खत्म नहीं हुआ और आसम की रिहाई इन्हीं राबतों का भी कुछ ना कुछ तवीज और दवा दारू है जो उसकी रहाई का मुझे बना सो यह कहना कि जनाब अली ये कोई बहुत बड़ा आ, डेंट डालने जा रहे हैं नो 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 डेंट डाल सकते थे अगर ये पनामा लीक्स में यह पार्टी नहीं बने आप समझें पनामा लीग सीरियस केस है अगर सुप्रीम कोर्ट में आज पीपल्स पार्टी भी मौजूद होती तो इस मुल्क की सियासत का रुख ही बदला होता सराजुल आकसा पेश हुए वो ऐसे लगता है कि नवाज शरीफ का केस माजरत के साथ आज सारी अदालत की यह राय थी कि जमात इस्लामी नवाज शरीफ का केस लड़ने आई है अपनी पार्टी और कौम का केस लड़ने नहीं आई और उनकी ये सियासत जो है मेरा ख्याल है जितना मर्जी वो खर्च कर लें जितनी मर्जी वो सियासत कर लें अवामी राय आमा में मेरी हमदर्दियां उनके साथ उनका केस आज भी खाम खा रशीद साहब खड़े हुए हैं जी के मेरी एक बात सुन लें जी के इसको कमीशन बनाए वो जबरदस्ती वाला केस है okay. और ये तासर देने की कोशिश है कि नवाज शरीफ बच जाए ताकि अगली दफा कोई चार पांच सीटों के चार पांच सीटें इनके पास कैंडिडेट हैं लाहौर से दो तीन हो जाएं एक दो मुल्तान से हो जाएं ये होगा नहीं ये वक्त कभी नहीं आएगा इन ठीक है बट शेख साहब ये जिस तरीके से कहा जाता है आपने भी, भी बात की कि जरदारी साहब का और नवाज शरीफ साहब का कभी रहा खत्म ही नहीं हुआ ये पीपल्स पार्टी को लेकर या अगर ओवरऑल हम कराची की बात कर लें तो बहुत सारे केसेस डॉक्टर आसिम का मामला रुक गया अन अली का मामला कहां पहुंचा उसका नतीजा क्या है वो किसी के सामने नहीं है आ, फिर वहां पे वसीम अख्तर साहब बाहर आ गए अब्दुल कादिर पटेल साहब बाहर आ गए अनीस कायम खानी साहब बाहर आ गए वो तमाम लोग जिनके बारे में कहा जाता था कि जी बड़े ठोस शवाहद मौजूद हैं उनको रिहाई मिल जाती है ये चीजें क्या ये कोई फिर मसलहत आड़े आ गई कोई नया एन हो गया है ये किसके दरमियान हुआ ये चीजें कैसे तय पा गई ऑफ कोर्स नवाज शरीफ तो देखो नया एनआरओ के लिए ट्रंप को फोन भी कर देते हैं यानी दुनिया में 28 दिन बाद मुबारकबाद देने वाले और अपनी जग ऐंसाई करने वाले एक ये वाहद वजीर आजम है अपनी जग ऐंसाई भी की और दुनिया में एक नया फतना भी डाल दिया और जो दिल में रखने वाली या सीक्रेट रखने वाली बातें थी उसको इसलिए उजागर किया कि पैनामा लीक्स पर इसका असर पड़े उसको यह मालूम ही नहीं है उसको यह समझ ही नहीं है कि आवाम की अदालत में तो हार चुके हैं कानून की अदालत में हारने जा रहे हैं और इनशाला हारेंगे और जरूर आएंगे हम्म यानी वो जो आपकी एक पेशे गोई थी कि इस अदालत से सियासी ताबूत निकलेंगे बहुत सारे लोगों के वो आपको अभी भी नजर आ रही है आप उस कायम मैं मायूस नहीं हूं जी कल कुछ और हो जाए ना मेरा तजी पीर फकीर हूं ना मैं कोई चादर चढ़ाने वाला आदमी हूं ना मैं मैं बुजुर्गों का नौकर हूं लेकिन मैं ये समझता हूं कि यह केस अहम टर्न ले रहा है और ये इसी अदालत ने अगर फैसला किया और कमीशन ना बना तो ये फैसला कौन केस होगा इन ताला ठीक है शेख साहब अभी जिस तरीके से आपने बात की थी कि जी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच एक बहुत बड़ी ख़बर जो है वो इसी मुल्क एक अखबार से निकलती है पीएम हाउस से निकलती है लेकिन उस पर कुछ नहीं होता वो जो कमेटी है तहकीकती कमेटी अब उसके अंदर सरल अलमीरा ने भी और परवेज़ रशीद साहब ने भी अपना बयान तो रिकॉर्ड करा दिया है चौधरी निसार साहब के पास उसकी रिपोर्ट जाएगी आपको लगता है कि वाकई असल लोगों के नाम सामने आ जाएंगे या फिर ये भी एक रिपोर्ट वही ख्वाहिश के मुताबिक बना दी जाएगी नवाज शरीफ को एहसास ही नहीं है कि हर आए रोज उसकी उसका इमेज और वकार कहाँ जा रहा है उसको एहसास ही नहीं है कि उस पर क्या मामला बढ़ रहे हैं और ये जो तल्लक अस्करी इदारों से बेहतर हुए थे किस खराबी की तरफ जा रहे हैं? पठानकोट के बेहतर हुए इन्होंने पठानकोट में वो अजहर सोहेल और दूसरे अजहर मसूद और दूसरे लोगों के खिलाफ पर्चा दे आके सत्यानाश कर दिए उड़ी में बेहतर होने लगे इन्होंने फिर वही शार्ट खेली जनाबे आली और इतनी बुरी शार्ट खेली कि तलकात फिर कशीदा हो गए सो अभी जो इनके हालात और वाकत हैं नवाज शरीफ साहब की एक बात जेन में नशीन रखें कि वो कोई अपॉइंटमेंट क्वालिटी पे नहीं करते लॉयल्टी पे करते और इस इस कदर कमजोर केस को वो धोस लगा के कहना चाहते हैं कि नहीं जनाब वो को ये तो बताओ ये पैसे आए कहां से दाता दरबार के माल में इतनी ताकत नहीं होती उनके संदूक तोड़ के देखो वो भी खत्म हो जाते हैं औकाफ के चंदों में जाके ये ऐसे बारह मिलियन दरम है जी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते बड़े आवारा किस्म के ये बारह मिलियन दरम है जिस जगह देखो उनकी खुशबू सुनाई देती है और किसी ने ये नहीं कहा किसी ने भी ये नहीं कहा कि जनाबे वाला खुदा का खौफ खाओ इतना झूठ बोलो जो हजम हो जाए और ये सारा केस क्या है ये तो तबाही और बर्बादी है ठीक है अच्छा ये एक... और बर्बादी है झूठ का पलंदा ओके okay. और इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है राइट एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे शेख साहब और ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और सवालात कुछ और मामला जो हैं वो शेख रशीद अहमद साहब के आगे रखेंगे एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक बार फिर से खुशा मदीद शेख साहब ये फरमाइएगा जो खत्े के अंदर की सूरत हाल हमें नज़र आती है वो पहले भी हमने देखा कि किसी ना किसी टाइम तो एल ओ सी भी बहुत ज्यादा वहाँ पर सूरत हाल कशीदा हो जाती थी अब वो थोड़ी काबू में है लेकिन जो भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ है उसका इजहार जो है वो भी हमें नज़र आ रहा है वहाँ से अफगानिस्तान से अशरफ़ गनी के जो बयान आ पाकिस्तान मुखालफ फिर हार्ट ऑफ एशिया में सरताज अजीज साहब के साथ जो सलूक रवा रखा जाता है आपको क्या लग रहा है कि ये दानश मंदाना फैसला था पाकिस्तान की तरफ से जाना सरताज अजीज साहब का देखें फैसले को तो कई रंग दिए जा सकते हैं ठीक है लेकिन आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि सरताज अजीज साहब कहते हैं कि उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई इनकी इज्जत ही क्या है ये वर्ल्ड बैंक के मुलाजम है और इनको कोई पीएन नहीं रखता इस उम्र में जिस उम्र में ये हमारी वजारत का किरदार अदा कर रहे हैं जिस सीट पर इन्हें वहां बिठाया गया है मल्होत्रा का आज का इंटरव्यू देखें मल्होत्रा ने आज इंडिया का जो जर्नलिस्ट है उसने कहा सरताज अजीज के साथ बड़ी ये इतने बेशरम है कि पाकिस्तान आके कहते हैं हमारे साथ कोई ज्यादी नहीं हुई मतलब भारतीय पाकिस्तान सार बहुत को सारे हैं इस चीज पर उन्होंने एहतजाज किया कि जी सरताज अजीज साहब के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था वो अपनी सरकार को अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन सरताज अजीज साहब कहते हैं कि उनके साथ बदसलूकी हुई नहीं बह बेशरम आदमी है ना बेशरम हो तो ऐसा ही होता है जिसकी इज्जत कोई ना हो ये सारी हुकूमतें बेइज्जत कम नकल कम जर्फ और जैनी पस्ती की शिकार घूमते हैं जिनकी अपनी इज्जत ही कोई नहीं है जिनकी अपनी इज्जत कोई नहीं है इसको दो चाटे भी मार देता है कहता कोई नहीं है ऐसे ये गलत अफवाह उड़ाई है किसी ने उड़ाई है दुश्मन ने उड़ाई है जिस तरह ये जलील हुए हैं अपने मीडिया से भी ये बात नहीं कर सके और इनका एजेंडा जो इनको दिया गया था कि आपके साथ जो मर्जी सलूक हो जाए आपने एक पीस की सूरत में बासलामत और मालशिया पार्टी की असीयत से वापस आना है यही वो बात है जो फौज को खटकती है यही वो बात है जिससे तल्लक कशीदा होते हैं कि ये ज़रूरत से ज्यादा हिंदुस्तान के नीचे लेटे हुए हैं और पाकिस्तान में आके भी वो बड़क नहीं मारी ये कोई सच नहीं बोला उसने कहा कोई मेरे साथ बुरा सलूक नहीं हुआ फिर जाओ फिर इनके साथ ऐसा ही सलूक हो देखें ये तो क्रिकेट टीम के जो गए थे उन्होंने क्या सलूक किया था हमारे लोगों के साथ बेशरम लोग हैं ये वो लोग हैं जो, जो बताइएगा कि, है। 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 कि जो पाकिस्तान की अंदर शिरकत की अच्छा आगाज था अब उस पर भारत का चेहरा जो है वो एक्सपोज हो गया तो ये भारत का चेहरा वाकई इस किस्म की हरकतों से कभी दुनिया के सामने एक्सपोज आज तक हुआ है या उससे कोई फर्क पड़ा मेरी सियासी सोच ये है कि मोदी को नवाज शरीफ समझ नहीं सके और उसके जहन में एक एजेंडा है जो कहता है जब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वीज़ा ही नहीं होना चाहिए ये वैसी कच्चे धागे का एक बॉर्डर है बकौल नवाज शरीफ के कि ये वीज़े भी ख़त्म हो जाने चाहिए वो मोदी के बुचरिज्म को समझ नहीं सका कि मोदी के, के जज्बात मुसलमानों के बारे में क्या है हिंदू दत्त की बुनियाद पर उसको वोटें मिली हैं उसको इस्लाम की खिदमत या इंसान की खिदमत के लिए नहीं मिली हिंदू दत्त की पर्चा के लिए उसको वोटें मिली हैं और नवाज शरीफ जितनी जल्दी समझे उनके लिए बेहतर है वैसे भी ये वही नवाज शरीफ हैं जो बड़ा चैलेंज लेते थे कि जी मैंने एटॉमिक चलाया खुदा गुआ किबले की तरफ बैठा हूं ये एटॉमिक धमाका किया है राजा जफरुल्लाक ने शेख रशीद ने और गोर अयूब ने तीन आदमियों ने यह एटमी धमाका कराया कैबिनेट का रिकॉर्ड निकाल के देखें ये तो डरे बैठे थे सेंक्शन लग जाएंगे अगर वो मौका जाया हो जाता आज जया पोजीशन में ना होते आज इस पोजीशन में ना होते ये मुल्क मुल्की दफा कर सकते ये तो रीघते रींगते जाते अमृतसर की तरफ ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक इटामिकवत है और एक अजीम फौज है और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा कि वो नेस तो नाबूद हो जाए बल्कि जो आर्मी चीफ ने कल कहा कि नेस कर देंगे मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर जुमला है सही है और इन आर्मी चीफ ने पहले ही दिन जब ये बात की थी कि जी एलओसी पर जो हालात हैं वो भी जल्द बेहतर हो जाएंगे तो अभी तो बेहतरी नज़र आ रही है वहाँ पर कुछ सुकून कुछ आराम हमें देखने को मिल रहा है लेकिन जनरल राहल शरीफ साहब की जो लेगेसी है वो आप किस तरीके से देख रहे हैं जनरल बाजवा को कि वो किस तरीके से लेकर चलेंगे जो ऑपरेशन में ज़रब अज़ में कामयाबियाँ हुई, हुई, हुई और ख़ासकर कराची में जिस तरीके से अमन बहाल हुआ है और हर कोई उसका अतराफ़ कर रहा है कल ही पशीन में और फाटा में ऑपरेशन हुआ है चार सात आदमी मारे हैं फौज नहीं मारे हैं आज भोले को लेके आ रहे हैं कराची जो बल्दिया का आज या कल आ जाएगा बैंकॉक से पकड़ा है और इसी तरह कालदम जमात के एक तीन चार आदमी मुकाबले में कल मारे गए हैं बातें तो वैसी चल रही हैं लेकिन रहील शरीफ का वक्त ऐसा टेंस वक्त में था कि वो फ्रेंडली फायर भी आ रहा था नवाज शरीफ की स्पोर्ट में एक खौफ जमा था बहुत अच्छा हुआ रही शरीफ साहब चले गए इज्जत से गए सलामी से गए लोगों में मकाम पाया फ़ौज को इज़्ज़त मिली लेकिन बाज़ लोगों की ये सोच थी कि शायद यहाँ कुछ और ना हो जाए इसलिए बॉर्डर पर भी फ़ौज को तंग किया जा रहा था कि बॉर्डर फौज ये समझे कि वो सैंडविच ना बन जाए लेकिन एक नए चीफ के आने के बाद मेरा ख़्याल है ये बात कम हुई है और फायर की खिलाफ वर्जी कम हुई है लेकिन अगर ये हो भी तो मुझे पूरा यकीन है ये अदारों का फैसला है ठीक है ये नवाज शरीफ का फैसला नहीं है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला नहीं है ये पाकिस्तान के अदारों का फैसला है टिट फॉर टैट एक का तीन से मुकाबला एक मारें आप तीन मारें और आप देखेंगे के अदारे बहुत मजबूत हैं शख्सियतें आती हैं और चली जाती हैं इन शहतरी सही है अब इदारे जिस तरह आपने कहा कि इदारों का फैसला है और ज़ाहिर है हम फौज के हवाले से कहते भी हैं कि सलाहियत रखती है चाहे बॉर्डर पर उनका जो काम है सरहदों की हिफाजत करना वो हो या जो इंटरनल सिचुएशन बनी है जिस तरीके से उसको हैंडल किया है लेकिन यहाँ पर जो सिविलियन इदारों का काम है जरा उस पर भी बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान बना तो सही है आपने शुरू में उसकी जाने इशारा भी दिया लेकिन यहाँ पर दम तनजीमों के लोग जो हैं वो इलेक्शन तक कंटेस्ट कर रहे होते हैं अभी जंग में जो हुआ फिर वो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी में भी चले गए वो ज्वाइन कर रहे हैं ये तमाम चीजें क्या हैं ये इस पर कोई नहीं देख रहा है यहां पर कोई कानून हरकत में नहीं आता देखें मास्टर प्लान यही है कि इनको सियासत में लाया जाए आने दिया जाए लेकिन सबसे खौफनाक बात है जो छह सात दिन पहले अफगानिस्तान में तमाम दहशतगर्द तनजीमों की मीटिंग हुई है वो बड़ी अलर्ट बड़ी लार्मिंग और खुदा ना खास्ता किसी बड़े हादसे का मुझे बन सकती हैं अगर आप लोग तालिबान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अगर अलकायदा को दाश को और दूसरे लश्करों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो यह आपकी भूल है अमेरिकन और बयालीस दूसरे मुल्क उनसे नहीं टकरा सके रूस नहीं लड़ सका सिख नहीं लड़ सके ब्रिटिश नहीं लड़ सके देखें एक चालीस साल से वो इम्तहान और कर्ब की जिंदगी में गुजर रहे हैं लेकिन उन्होंने हथियार नहीं गिराए सो अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में जरब अजब के बाद सब अच्छा होगा तो ऐसा नहीं होगा ये कई सालों तक हमें इसकी इस इसको भुगतना पड़ेगा और उसको भुगतने के लिए कौम का यकजा होना जरूरी है कौम का एक और नेक होना जरूरी है Otherwise, हमारे लिए बड़े संजीदा और गहरे और खौफनाक मसले पैदा हो सकते हैं मैं इस जंग को खत्म होता नहीं देख रहा नहीं। बड़े बड़े रिटायर बातें कर रहे हैं कि जी सब सब ठीक हो गया नहीं। सब अच्छा नहीं अच्छा हुआ अभी बहुत सारा वक्त लगना है इन बातों पर ठीक है तो आप कहते हैं जरब अज ऑपरेशन जो है वो अख्ताम नहीं है वो अंजाम नहीं है अभी ऑपरेशन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा जंग अभी जारी रहेगी एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तु को यहीं से आगे बढ़ाएंगे स्टेट वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आहमदी शेख रशीद अहमद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शेख साहब आपसे हम बात करना चाहेंगे अपने इदारे के हवाले से 92 न्यूज़ के हवाले से 92 न्यूज़ के खिलाफ और मदीना शुगर मिल के खिलाफ एक हादसे को बुनियाद बनाकर पंजाब हुकूमत और पंजाब के वजीर कानून राना ना साहब जिस तरीके से इंतकामी कार्रवाइया कर रहे हैं आप क्या कहेंगे उस पर देखें इनको बर्दाश्त ही नहीं है इनको बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई इनकी आंख में आंख डाल के बात करे इनको तो गुलामों की जरूरत है इन्हें तो मालशियों की जरूरत है इन्हें तो वो मालशी जरूरत है कि आंख एक दूसरे से ना मिलती हो तो कहते हैं हिमा मालिनी से मिलती है आपकी आंख जनाबे वाला इस मुल्क में ये बदमाश हैं खाना नंबर दो से खाना नंबर एक में गए हैं धौस और धांधली से अपने आप को मनवाना चाहते हैं और इनका ख्याल है कि अगर आर्मी चीफ चला गया तो बस सारे जैसे लोग उस पर सारा शुक्र है चला गया शुक्र है उसने कोई और मसला नहीं किया वरना ये तो सारी दुनिया में रोना रूटते जी हम तो ये कर रहे थे हम तो तर ये कर रहे हैं जनाब साफ़ते ये साफ़त का गला घोट रहे हैं और वो पैमरा जनाब अली कोई मुल्क में एक आदमी भी इन्होंने नहीं लगाया जो मेरिट पर लगाया और तमाम के तमाम लॉयल्टी पे लगाए हैं कोई क्वालिटी पर नहीं लगाया उन्होंने अपनों में बांटते हैं दूसरों को डांटते हैं ये खाना नंबर दो के लोग हैं और ये राना सनाउल्ला इनकी शक्ल देखें ये पंजाब के सेकंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं शेख साहब बात वही है कि अभी ये तो चले हम हम जो बात कर रहे हैं सो कर रहे हैं लेकिन उनके अपने आबिद शेर अली साहब के वालिद सीनियर रहनुमा पीएमएलएन के चौधरी शेर अली ने उनके बारे में क्या कहा कितने लोगों का कातिल है कित, कानून शिकन वजीर है पंजाब का वो राना सनोला के बारे में हम तो नहीं कह रहे वो खुद उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं उस पर भी पार्टी के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई कभी कोई कार्रवाई नहीं जी दुल्हन वो जो पियामन भाई शहबाज शरीफ की सियासी दुल्हन है और वो सियासी दुल्हनिया जो है वो शबाज़ शरीफ के लाइन और लेंथ पर खेलती है और ये मॉडल टाउन के चौदह बंदे मारने में भी शहीद करने में भी वो फ़्रंट फुट पे था और इसका कोई कोई हल नहीं है सवाए इसके कि लोग बाहर निकलें लोग इंतकाम में निकलें अपनी इज्जत के लिए निकलें अपने एहतराम के लिए निकलें जमहूरियत को बचाने के लिए निकलें अपने बच्चों की तरक्की के लिए निकलें और इन शाह तला एक दिन देखेगी कि इनके साथ इससे भी बुरा अशर होगा जो ये कौन से कर ठीक है बट शेख साहब जिस तरीके से मदीना शुगर मिल में एक हादसा जो कि महकमा सनत खुद कह चुका है अपनी रिपोर्ट में कह चुका है कि जी ये हादसा था और जो झूठ बोला जा रहा है कि जी बॉयलर फट गया और उससे मजदूर जान भाग हो गए बॉयलर भी नहीं फटा था एक पाइप लाइन वहां से गुजर रही थी जो फटी थी अब इनकी अपनी रमलर फट भी गया तो इंसानी मसला उन्होंने ना बिल्कुल अगर अब... इनके तो यहाँ रोज हमारे मोहल्ले में दो महीने बाद तीन महीने बाद एक स्टोव फट जाता है अब क्या उसका मुकदमा स्टोव के मालिक में किया जाए कि बॉयलर फट गया या कोई ये बेईमान लोग हैं आप फिक्र ना करें आप अल्लाह पे छोड़ें अल्लाह की पकड़ में है ताला दस मजदूर जो हैं वो जम भाग हुए थे लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ एक बताया था एक वहां पर लिखा था <laughs> बस ये नवाज शरीफ की शुगर मिल थी ना और ये उनके मुखालिफों की ये तो किसी का चूल्हा जलता ही नहीं देखना चाहते ये कहते हैं कि कोई बंदा इनके सामने खड़ा ना हो मुकाबले में ना आए कोई बंदा इनकी आंख में आंख डाल के ना बात करे इन शाह मैंने आपको कहा खुदा के देर है देर नहीं ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे और कानून की गिरफ्त में आएंगे इन ठीक है लेकिन शेख साहब जब आप कहते हैं कि चलें उम्मीद है और अच्छी बात है कानून की गिरफ्त में आएंगे लेकिन मॉडल टाउन का आपने खुद भी जिक्र किया दिन दिहाड़े जिस तरीके से चौदह लोगों का खून बहा दिया गया उस पर भी कार्रवाई क्या हुई दोबारा क्लीन चिट मिल गई और दोबारा फिर उन्हीं को वजीर कानून बना दिया गया कोई क्लीन चिट नहीं मिली जस्टिस नच्वी की रिपोर्ट ही नहीं बाहर आने कोई क्लीन चिट नहीं मिली आप देखते रहे

जो सब्ज़ बागत दिखाए गए लोगों को और जो अभी भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तरक्की की मनाजिल तय कर ली हैं और कोई और सूबा ये करने के काबिल भी नहीं हो सका है सलाहियत भी नहीं आ सकी है आपको लगता है कि अवाम जो है वो इस हद तक श रखती है कि उसको समझ आ रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक झूठ का पलंदा है या सब्ज बाग दिखाया जा रहा है या फिर उन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाकर सड़कों को और मेट्रो को वो 2018 में भी वोट कास्ट कर देंगे देखिए 2018 तो बहुत दूर है अगर ये 2018 तक अट्ठारह तक रह, रह गए तो फिर इस मुल्क में गरीब आदमी का तो सत्यानाश हो जाएगा तबाह बर्बाद हो जाएगा उठ ही नहीं पाएगा इन शी मैं उठने से पहले क्योंकि मैंने फ्लाइट पकड़नी है जी। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह की लाठी आप देखें अट्ठारह बहुत दूर है अभी सत्रह शुरू होना है और अभी ये महीने पैनामा केस के हैं मैं इंसाफ होता देख रहा हूं पनामा केस में आगे अल्लाह को पता है अगर अल्लाह के ठीक है, आखरी एक दो मिनट है प्रोग्राम के तो इस पे एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगी आपने कहा पाना का केस आप सही समय में जाता देख रहे हैं दो हजार अठारह तो बहुत दूर की बात है उससे पहले क्या हो जाए इनकी हुकूमत को लेके वो भी कुछ नहीं पता लेकिन मेरा सवाल यह होगा कि चलें जब भी इंतजाम होते हैं जिसकी भी कोई नई हुकूमत बनती है असल मसला तो वही रह गया इंतलाहत का कि कल को फिर कोई शोर न मचाए कि धांधली हो गई उस पर कोई जमात हमें क्यों संजीदगी का मुजाहरा करती नजर नहीं आ रही वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बातें सिर्फ नजर आती हैं अमली कोई एकदम नहीं हुआ देखिए मैंने आप शेयर किया इस मुल्क में दो अपोजिशन के लोग हैं एक इमरान खान और एक शेख रशीद बाकी सब लोग नवाज शरीफ के साथ हैं और ये मुनाफा ज्यादा खतरनाक होते हैं जो होते उधर हैं और चेहरा हमारे साथ बनाते हैं और सीट हमारे साथ रखते हैं ये ज्यादा खतरनाक है कि सीक्रेट फंड वहां से लेते हैं और चेहरे हमारे साथ दिखाते हैं आप ये यकीन रखें ये भी नेस्तो नाबूद हो जाएंगे जिस वक्त नवाज शरीफ का शमशमा खत्म होगा ना ये अपोजिशन की नाम नेत पार्टियां अपने मौत आप मरेंगी चेहरा दिखाने के काबल नहीं होगी शर्त सिर्फ एक हो, पे हो, और इस मुल्क में ऐसा निज़ाम हो कि चोर और चौकीदार में फर्क करने की तमीज हो अगर ये निज़ाम दौलतों के पास ही रहा तो फिर इस मुल्क में खाना जंगी होगी और खाना जंगी से अल्लाह तुल्ल् में इंसाफ पर मबनी माशरा जो है और ऐसा निजाम लाने की जरूरत है जिसमें तमाम लोग बराबर बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब हमसे बात कर रहे थे आज के प्रोग्राम में इजाजत दीजिए खुदाफेज Thank <music> you.